हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक पनीर। तो देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे। आधा किलो पालक, पनीर, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च। मसालों में हल्दी पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और खड़े मसालों में हमें चाहिए होगा तेज पत्ता, जीरा, हरी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा। सबसे पहले हम पालक को बॉईल कर लेंगे और इसकी एक प्यूरी बना लेंगे। सबसे पहले 1 से 2 लीटर पानी गर्म करने के लिए रख देंगे। पानी के गर्म होते ही हम इसमें पालक के पत्तों को डाल देंगे। इसे केवल 2 मिनट ही उबालना है। दो मिनट बाद गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और पालक को ठंडे पानी में डाल देंगे। कढ़ाई रख देंगे गर्म होने के लिए और कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल के गर्म होते ही प्याज डाल देंगे। प्याज के साथ अदरक लहसुन डाल देंगे। 1 से 2 मिनट चला लेंगे। 1 से 2 मिनट प्याज को अच्छी तरह से भून लेना है। इसके बाद हम इसमें टमाटर मिक्स कर लेंगे। प्याज और टमाटर को हमें ढककर पका लेना है ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। 2 मिनट बाद चेक कर लेंगे। अब हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे कटी हुई। देखिए टमाटर भी अच्छी तरह से गल चुका है। मिक्सचर को ठंडा कर लेंगे। प्याज और टमाटर का मिक्सचर हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम इसे मिक्सी जार में डाल देंगे। इसी के साथ हम उबली हुई पालक डालेंगे। इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे। इस तरह का हमें स्मूथ पेस्ट बना लेना है। देखिए अब चलिए ग्रेवी की तैयारी करते हैं। 2 टेबलस्पून ऑयल गरम कर लेंगे। ऑयल के गरम होते ही खड़े गरम मसाला डालेंगे। इसके साथ ही हल्दी डालेंगे 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लो फ्लेम ही रखना है वरना मसाले जल जाएंगे। अब हम इसमें पालक की प्यूरी मिक्स कर देंगे। मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1/2 कप पानी मिक्स कर लेंगे। गरम मसाला पाउडर डाल देंगे 1/2 टीस्पून, नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार,
अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पनीर मिक्स कर लेंगे। इसे ढक के 5 मिनट के लिए पका लेंगे। 7 मिनट बाद चेक कर लेंगे। देखिए ऑलमोस्ट हमारी सब्जी रेडी है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम मिला लेंगे। मिक्स कर लेंगे। दो मिनट और ढक के पका लेंगे। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। रेडी है पालक पनीर। इसे आप गर्मा गर्म रोटी के साथ खाइए।